الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. قال الله تعالى في شان عظمتي حبيبي الكريم, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. आज का दिन दुनियाए इंसानियत, दुनियाए आलम का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे पैगंबर, हमारे खुदा हजरत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत यानी के जन्मदिन है. और आज का ये जो जश्न है तमाम आलम इस्लाम के लिए मुबारक और मुसर्रत शादमानी का मुबारक दिन है, क्योंकि जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए आज का ही वो दिन है. हमारे आका हजरत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कबल यानी कि आपकी पैदाइश से पहले पूरी दुनिया में जुल्मो सितम एक दूसरे पर ढा रहे थे. जुल्मो सितम का नंगा नाच नाचा जा रहा था. गर्स के आप इतिहास उठा करके देखें तो ग़ुलामी का रिवाज था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों पर जुल्मो सितम किया जा रहा था, अमीर गरीबों पर जुल्मो सितम ढा रहे थे. लेकिन जब हमारे आका पैगंबर हजरत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया ने एक अजीम इनकलाब यानी के परिवर्तन महसूस किया. और वो इस तरह से कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था. आज ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की ही बरकत है कि आज कोई भी इंसान ना लड़की को जिंदा दफन कर रहा है, ना औरतों पर जुल्म व सितम कर रहा है, ना अमीर गरीब को सता रहा है, बल्कि जहाँ कहीं भी शांति है, अमन व सुकून है, ये हजरत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बरकत है. और हमारे पैगंबर, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इंसानियत का पैगाम दिया कि सरकार फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफ़ुन नास, अच्छे लोग वो हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं. आमीन वाखुरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. आमीन वाखुरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि. आज के दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन हम सब मिलकर मना रहे हैं, और उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं कि शांति से रहकर किस प्रकार आदमी को जीवन जीना चाहिए, उसको हम सब अपनाकर उनसे प्रेरणा लेकर आज के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. और पैगंबर साहब ने जो रास्ता बताया है उसे हर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं अपनाकर उनके रास्ते पर चलकर अपना जीवन यापन करा रहे हैं. आज के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था और हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं. साहब का पैदाइश का योम विलादत का दिन है. अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए रहमतुलिल आलमीन बना के भेजा है. यह हमारे मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए रहमतुलिल आलमीन बना के भेजा है. रहमतुलिल आलमीन मतलब सारे जहां के लिए, मतलब सारी दुनिया में हर कौम के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजा है. से दुआ करता हूँ कि आज इस मुकद्दस मुबारक रोज़ में हमारे देश में खुशहाल, हमारे देश में, प्रदेश में और राजनांदगांव में अमन और शांति हो, खुशहाली हो, हमारा देश उन्नति और तरक्की की ओर जाए. शुक्रिया. खुशी की बात है कि आज ईद मिलन नबी का पर्व है और समस्त मुस्लिम समाज को, भाइयों को बहुत बहुत ईद मिलन नबी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं. और शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव सभी
धर्मों का सम्मान करती है और आज उसी प्रक्रिया में आज हम समस्त मुस्लिम समाज के भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद दे रहे हैं। मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश और पूरे प्रदेश को मैं मुबारकबाद देता हूं। आज जो हमारे नबी की पैदाइश की दिन है, हर मुसलमान पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो हम लोग मुसलमानों के रहबर बन के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनके पैदाइश के दिन पे पूरा मुसलमान एक मोहब्बत और खुशूस के साथ जुलूस निकाल रहा है। हर साल भी पूरे शहर में जुलूस निकाल के उम्मत मोहम्मदिया का यह सबूत दिया जाता है। तो सभी को मैं एक बार तहे दिल से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत